दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अखबारों, टीवी न्यूज और सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियो काफी चर्चा में है। डीप फेक तकनीक के शिकार होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस तकनीक के गलत इस्तेमाल से जहां आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, वहीं हाल के दिनों में मशहूर हस्तियों के भी कई डीप फेक वीडियो प्रसारित हुए हैं। अब तक इसका शिकार फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, काजोल, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट हो चुकी है और इसी को लेकर सरकार काफी चिंतित है। स्पेशल अफसर भी तैनात कर दिया गया है। मोदी सरकार नए नियम कानून बनाएगी। दोस्तों, जहां मोदी जी कह रहे हैं कि एआई का दुरुपयोग रोकेंगे, आपको बता दूं कि मोदी सरकार एआई का दुरुपयोग पहले ही कर चुकी है, पर अब कानून बनता है तो अच्छी बात है। पर सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या सरकार जिसका दुरुपयोग रोक पाएगी? क्या आज तक सरकार शराब को रोक पाई है? क्या तंबाकू की बिक्री पर रोक लगी है? और सबसे बड़ी बात, भारत में टिकटॉक बैन हुआ पर आज भी यूज हो रहा है। और हाँ, पबजी भी तो बैन है। पबजी बैन होने के बाद भी सीमा हैदर को सचिन मिल गया। जब कोई चीज बैन होने के बावजूद यूज हो रही है तो क्या अब सरकार जी इसको रोक पाएगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी या किसी भी बीजेपी नेता का डीप फेक पर चिंता जाहिर करना महज एक दिखावा ही कहा जाएगा, क्योंकि लगभग 3.5 साल पहले संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा के चुनावों के समय दिल्ली बीजेपी ने डीप फेक टेक्नोलॉजी का खुलेआम इस्तेमाल किया था, पर प्रधानमंत्री ने उस समय भी कुछ नहीं कहा था। यह पहला मौका था जब हमारे देश में किसी राजनीतिक दल ने डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग चुनावों में प्रचार के लिए किया था। समाचार साइट voice.com ने सबसे पहले इसका खुलासा किया था और इसके आधार पर रिपोर्टिंग कई समाचार पत्रों के साथ ही MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू में भी ये बात कही गई थी। दिल्ली चुनावों के समय बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने एक वीडियो बनवाया था जिसमें उन्होंने हिंदी में बीजेपी को वोट देने की अपील के साथ ही अरविंद केजरीवाल पर भी तंज कसा था। इसके बाद दिल्ली बीजेपी ने आइडियाज फैक्ट्री नामक एक IT कंपनी से संपर्क कर डीप फेक का काम दिया। इसके अनुसार मनोज तिवारी के मौलिक हिंदी संवाद वाले वीडियो के आधार पर अंग्रेजी और हरियाणवी में भी संदेश वाले वीडियो बनाने थे। यानी डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर मनोज तिवारी को अंग्रेजी और हरियाणवी में भी जनता को संदेश देना था। ये वीडियो बने, सोशल मीडिया पर भी व्यापक तरीके से प्रचारित किए गए और इसमें भाषा के अनुसार मनोज तिवारी के होठों के हिलने का अंदाज बदल गया और मौलिक स्क्रिप्ट में भी कुछ बदलाव किए गए। दोस्तों, इस वाक्य के 3.5 साल बाद अब प्रधानमंत्री जी को यह टेक्नोलॉजी चिंताजनक नजर आने लगी है और इसे भविष्य के लिए खतरनाक संकेत बता रहे हैं। आखिर डीप फेक होता क्या है, ये जान लेते हैं। पहले किसी रियल वीडियो में दूसरे के चेहरे को फिट कर देने को डीप फेक नाम दिया गया है, जिसे आप लोग यकीन मान ले। डीप फेक से वीडियो और फोटो को बनाया जाता है। इसमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है। इसमें वीडियो और ऑडियो को टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाता है। इसी डीप फेक से वीडियो बनाया जाता है। अगर इसे साधारण शब्दों में समझे तो इस टेक्नोलॉजी में कोडर और डिकोडर टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है। डिकोडर सबसे पहले किसी इंसान के चेहरे का हाव भाव और बनावट की गहन जांच करता है। इसके बाद किसी फर्जी फेस पर इसे लगाया जाता है, जिसे हूबहू फर्जी वीडियो और फोटो को बनाया जा सकता है। हालांकि इसे बनाने में काफी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, ऐसे में आम लोग डीप फेक वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन इन दिनों डीप फेक बनाने से जुड़े ऐप मार्केट में मौजूद है, जिनकी मदद से आसानी से डीप फेक वीडियो को बनाया जा सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियो के मामलों में बढ़ती तेजी के कारण केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति की है। केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को बताया कि यह स्पेशल अफसर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डीप फेक के खतरे की निगरानी करेगा, साथ ही लोगों को ऐसे वीडियो या कंटेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में मदद भी करेगा। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी अपनी यूजर्स टर्म्स में अगले 7 दिन के अंदर बदलाव करने को कहा गया है। इसके दायरे में डीप फेक वीडियो समेत उन 12 एरियों को लाने के लिए कहा गया है जो भारतीय इंटरनेट पर प्रतिबंधित दायरे में है। ये स्पेशल अफसर सरल शब्दों में कहे तो हम नागरिकों के लिए सोशल प्लेटफॉर्म्स के कानून तोड़ने की जानकारी सरकार को देना आसान बनाएंगे। इसके तहत डीप फेक वीडियो के साथ ही चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल से जुड़े विभिन्न कैटेगरी का कंटेंट भी आएगा जो भारतीय इंटरनेट पर बैन है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री का कहना है कि पिछले 1 साल से वे ऐसे मामलों को लेकर भारत में बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के संपर्क में हैं और डीप फेक से निपटने के लिए रूल 7 ऑफिसर के नेतृत्व में जो ढांचा तैयार हो रहा है उसे बनाने में इन कंपनियों का फीडबैक भी शामिल रहेगा। अब देखिए जरा पिछले 1 महीने में जो डीप फेक वायरल हुए हैं उनमें मुख्य भूमिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ही रही है। अगर मंत्री जी अपने बयान में इस पर भी कुछ कहते तो अच्छा रहता, खासकर यह देखते हुए कि रीच घटाने और चीजों को वायरल होने से रोकने के जो उपाय अब तक हुए हैं उन पर कई एतराज सामने आए हैं। एम्स्टर्डम स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी डीप ट्रेस के मुताबिक 2017 के आखिरी में इसकी शुरुआत के बाद डीप फेक का तकनीकी स्तर पर और इसके सामाजिक प्रभाव में तेजी से विकास हुआ। डीप ट्रेस की साल 2019 में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कुल 14,678 डीप फेक वीडियो ऑनलाइन थे। इनमें से 96% वीडियो अश्लील सामग्री थी और 4% ऐसे थे जिनमें ये सामग्री नहीं थी। भारत के आईटी एक्ट 2000 की धारा 66E में डीप फेक से जुड़े आपराधिक मामलों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी व्यक्ति की तस्वीर को खींचना, प्रकाशित और प्रसारित करना निजता के उल्लंघन में आता है और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो इस अधिनियम के तहत 3 साल तक की सजा या 2,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के डीप फेक पर चिंता प्रकट करने से चिंता कम और सवाल अधिक खड़े होते हैं। अगर पीएम मोदी को सही में इस टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की चिंता है तो फिर वे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही सामान्य जनता को यह बात क्यों नहीं बताते? आजकल तो लगभग हर एक दिन वे चुनावी दौरे पर ही रहते हैं, भाषण देते हैं, रोड शो करते हैं। क्या एक चिंताजनक बात जनता को जानने का अधिकार नहीं है? दोस्तों, हमारे देश में जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें डीप फेक की तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो सरकार जी और समर्थक कभी भी किसी पर भी कोई अनर्गल और बिना सबूत के ही आरोप लगा सकते हैं और इन निराधार आरोप के आधार पर पुलिस से लेकर सभी जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई में लग जाती है। मीडिया पर किसी को कभी भी मुजरिम करार दिया जा सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सरकार जी एआई के दुरुपयोग को रोक पाएगी? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।